माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये माशाल्लाह, ये चिकन है। हाँ, इसमें ना फिश नगर्स भी हैं। हाँ, ये फिश है। माशाल्लाह है, सुना था ये वही है। माशाल्लाह पता चल गया कि हाँ, माशाल्लाह बहुत मजेदार। हाँ, इसका बन भी है। जाके केएफसी वालों से कहेंगे कि आपसे ज्यादा मजेदार हमने चीजें खाई। ना जो कही थी, मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा, मुझे कुछ बर्गर मिल जाए। मेरी आवाज किसको पहुंची? मैं टूटी फूटी इंसान, नादार एक माजूर इंसान हूँ, और उसने मुझे सजाया, मुझे बनाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, एक कदम भी नहीं चली और चल ही नहीं सकती। जो कमाई में भी बरकत है, वो भी इनकी नीयत शामिल होती है। सही बात और है। नीयत पे ही सब सारा दारोमदार होता है। सही बात। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नीयत दे कि जो अल्लाह को पसंद है उसमें बरकत हो। माओ के बेटे बने, बेटियां बने, उनके अपने बने। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची लाहौर इस्लामाबाद की माओ को उनके सर पे शफकत वाला हाथ रखिए। इसलिए जो है पांचवें काम में माशाल्लाह शाबान भाई की तरफ से जो है अलबेग जो खिलाने का शर्फ है माओ को, बिनते फातिमा और उनकी माओ को, वो शाबान भाई को जाता है। क्या कहेंगे ऐसे भाई? इसी तरह निकिया कमाने की तोफीक दे और अल्लाह पाक ढेरों अजर दे इनकी कमाई में बरकत दे, जो सुबह शाम में माओ की फिक्र करते हैं और उनके लिए आसानियाँ करते हैं। अल्लाह पाक माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये माशाल्लाह, ये चिकन है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। साथ में बन है, फ्राइज है, और जो अलबेग का जो जबरदस्त जो है जूसी इसका जो चिकन होता है। गरम है? माशाल्लाह कितना जूसी है, क्या बात है। दूसरा बॉक्स है उसमें। अच्छा, ऊपर इसके बन रखे हुए। ये नगेट्स, ये जो है चिकन नगेट्स है। चिकन, हाँ चिकन है। माशाल्लाह। हाँ, इसमें ना फिश नगेट्स भी हैं। हाँ, ये फिश है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त जी। कितना जूसी है ना, है। नीयत शामिल होती है। सही बात और है। नीयत पे ही सब सारा दारोमदार होता है। सही बात। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नीयत दे कि जो अल्लाह को पसंद है उसमें बरकत हो। आमीन। जिस तरह शाबान मलक बेटे ने, दोनों भाइयों ने मिल के ना इन माओ की खिदमत का बेरा उठाया हुआ है। ये तो ये नजर आ रहा है ना, पता नहीं किस किस तरह नेकियां कमाते हैं ये यहाँ बैठ के। इसीलिए अल्लाह पाक ने इनको ना मदीने में प्यारे नबी के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इनको आबाद किया हुआ, इनकी रोजी लगाई है। ये मसलतें होती हैं जो कि हर किसी के समझ में नहीं आती। बिल्कुल जूस निकल रहा है अंदर से। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस आसा जो है, आंसर बहन भी जो है वो इनको फौरी जो है वो सर्व कर रही हैं। इसमें बन है माशाल्लाह, उनके अंदर जो है फ्राइज हैं, फिश नगेट्स हैं, उसके बाद चिकन नगेट्स हैं, और चिकन जो है उसकी जो फुल पीसेज हैं वो हैं माशाल्लाह। वो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है, मैं तो कहूँगा ऐसे बेटे शाबान भाई उनको मलिक साहब को अल्लाह दे पना, रिज़्क में इजाफा दे। उसकी मेन वजह कि यकीन जानिए, इन पांच माशाल्लाह पांचवा काफिला है बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ का, और ये शब जो है यकीन खा रहे ये अलबेग का। हालांकि दिल तो उनका चाहे कि ढेरों मनोसलवा जो है वो खिलाएं। और मुझे बताएं कैसा लगा चिकन? चिकन इस दोबारा नहीं खाया। अच्छा, माशाल्लाह, मज़े का?
अरे क्या बात है, क्या जूसी है, क्या है, मजे का टेस्टी है। टेस्टी है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, बस उनकी उनको दुआ में याद रखिएगा। हाँ देखें, जी बद्रुन साहब माजी भी जो है वो दुआ मांग रहे हैं। बहन कैसा है, मजे का, मजे का, मजे का, कैसा लगा आपको ये चिकन, अच्छा अच्छा लगा? अच्छा चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बद्रुन साहब माजी जो कुरान पाक पढ़ रही हैं। माँ जी चिकन लीजिए और खाइए और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, उन तमाम लोगों को कि जो मनोसलवा यहाँ तक पहुँचाते हैं। सबको याद रखिए, खाना बहुत अच्छा है, अल्लाह खाने में बरकत डाले, अल्लाह खाना सबको नसीब। कैसा लगा चिकन? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बिल्कुल केएफसी से ज्यादा बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये भी सही कमेंट आ गया। पास हो गया मतलब? जी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल सुकून में आ गया आके यहाँ पे। और इतनी अच्छी हमारी यानी के दावत हो रही है, दुआएं भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और हम रेस्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और दुआएं भी पढ़ रहे हैं और नमाजें भी हो रही है हमारी खजाए। और बस बस परवरदिगार जिन्होंने हमारा सब कुछ किया है उनको खुशियां दे परवरदिगार। क्या बात है, आसानी से खाया जा सकने वाला है। तो ये अलबेक अच्छा है, मतलब पास हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे सही कह रही है, बड़ा ही बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा होता है, है सुना था, ये वही है। माशाल्लाह पता चल गया कि हाँ माशाल्लाह बहुत मजेदार। हाँ इसका बन भी है। जाके केएफसी वालों से कहेंगे कि आपसे ज्यादा मजेदार हमने चीजें खाई हो। जज़ाकअल्लाह। असल में इस शहर की यहाँ की बरकत है, एक रौनक है। बाकी भी जो है वॉलंटियर जो है वो इनको सर्व करते जा रहे हैं साथ साथ माशाल्लाह। तो मैं आपको बताऊँ, ये बेसिकली जो है ये इस शहर की, इस जगह की रौनक है, बरकत है, जी जी, है ना, कि जहाँ जी पर जो है ना कोई भी चीज खाए वो मनोसलवा से कम नहीं होती माशाल्लाह। और भी जो है, जी जी ले 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 प्लीज आप लेना। और तो ये साथ जो है उनको फौरी जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करते जा रहे हैं गर्म गर्म जो है। यकीन करें कि नगेट्स हैं साथ में, अलबेका देखे उन्होंने थोड़ा कितना सॉफ्ट है, चिकन है माशाल्लाह जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो आए बाकी लोगों से भी पूछते हैं, माँ जी कैसा लगा अलबेक? शुक्र अल्लाह, पता भूख लगी, शुक्र अल्लाह। जी जी आप लें ना, आप लें माशाल्लाह। मजे का चिकन, मजे का है, क्या इसमें अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं एक्चुअली ना जो कही थी मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर भाई। अच्छा तो मुझे कुछ बर्गर मिल जाए कहीं से, मैंने कहा मुझे रूटीन की रोटियां नहीं पसंद कभी भी। हाँ। तो मैंने घर में भी हमेशा ना नूडल्स बनाती थी जी जी, या ये बेकर की, तो देखा आयुष कैसे पूरी करता है। क्या बात है, क्या बात है, मेरी आवाज किसको पहुंच गई? अरे नहीं, अल्लाह अल्लाह है ना, अल्लाह अपने बंदों के दिल में डालता है तो फिर आगे अल्लाह बंदे वो सिलेक्ट करता है, तो वो अपनी जो है फिर उसमें लग जाते हैं काम में। आपका दिल चाह रहा था, देखे माँ जी कैसे वो, मुझे बताए सख्त तो नहीं? थोड़ा सा होता है, बर्गर होता है, चिकन। अच्छा बर्गर होता है, हाँ सही है। लेकिन ये इसका नाम जो है ना, ये अलबेक है बेसिकली, वो नाम उसके साथ यहाँ का होगा ना। हाँ ये यहाँ का बड़ा फेमस है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली केएफसी इस तरह के मिलते हैं ना चिकन, तो ये यहाँ का बड़ा फेमस है। बड़ा अच्छा व्यू है जी मिस बापा के रूम में यहाँ का, तो वो कह रही है हमने जो टिकट लगा देनी है कि भाई अब ये टिकट के बगैर ना है। अरे माशाल्लाह आप मुस्कुराती बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हाँ मुस्कुराहट मिलती रहे, आमीन। याद रखिएगा बहुत इन लोगों ने जिसने भेजा भी हो क्या इन लोग अल्लाह रोजियों से भरपूर, आमीन, और हमेशा इनको भरा हुआ रखे, आमीन, खाली नहीं करे, आमीन। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर, खाएं खाएं नसीब में वो तरीके से, किसी न किसी तरीके से सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही बोला है, बेशक 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 सही बोला है। चलें अब ये भी अब यादों का हिस्सा जुड़ गया है कि अलबेक भी खाया था, ठीक है, हम लोग गए थे मदीना मुनव्वरा में, वहाँ हमने अलबेक भी खाया था, जैसे बोर्ड बेसन याद आएगा ना इस तरह ये भी याद आएगा। चलें जी सब खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं याद रहेगा, ये बिल्कुल सही बात है। चलें चलें आप खाएं प्लीज़, बाकी लोगों से भी। यहाँ भी जो है अस्सलाम वालेकुम सकीना आपा। सकीना आपा मुझे बताएं ब्रोस्ट कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त। आपने सुना हुआ है अलबेक के बारे जी, में जी, जी, जी। ओ कि फिर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। चलें फिर हमने फिर अलबेक भी आज खा लिया, कैसा लगा मुझे बताएं, सख्त तो नहीं था? हाँ नहीं नहीं बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे तो हर चीज बहुत पसंद आई है, अल्लाह का शुक्र है। देखे ये जैसे हमने वीआईपी उमरा किया है, शुरू किया है अभी तो, जी अभी तो शुरू किया जी जी, लेकिन अपने घर से लेके ना
फातिमा बिन्त फातिमा से लेके एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेके जहाज तक और जहाज से उतरने से लेके अब्दुल अजीज एयरपोर्ट से यहाँ होटल तक जी, इतना जबरदस्त मैं कहती हूँ बहुत इस पे खर्चा हुआ है, बहुत ज्यादा वीआईपी उमरा है हमारा और ऐसा सफर हमने कभी जिंदगी में नहीं किया। हालांकि हम भी खाते पीते लोग हैं, मालदार हैं जी, थे तो मतलब सफर, लेकिन ऐसा सफर नहीं किया। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है ना, बेशक सकीना आप और इसमें ही असबाब बनाता है, दिलों में सख्तियाँ या रहम वही पैदा करता है, उसी की तरफ से सब कुछ होता है। और मैं तो अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मैं टूटी फूटी इंसान नादार एक माजूर इंसान हूँ और उसने मुझे सजाया, मुझे बनाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, एक कदम भी नहीं चली और चल ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिनते फातिमा वालों के जो वसीला बनाया अल्लाह ने, हाँ हमारा अल्लाह ताला आपकी रिजक में बेपनाह इजाफा दे, अल्लाह ताला माल और दौलत में बेपनाह बरकत दे। देखिए माएँ भी कितनी खुश हो रही हैं और उनके दिल से कितनी दुआ निकल रही है। और ये वो चीज़ें हैं कि यकीन करें कि उन माओं के दिल से निकलना और उनको इन बेटों ने पूरा करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पे इस ठंडी हवाओं वाले शहर में मदीना मुनव्वरा में जो है ये नेकी करना और आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी जो शाबान भाई के तरह के जो बेटे हैं जो कि इस पांचवें काफले में भी जो है ये अल बेग जैसी दावत जो है उन्होंने अपने जिम्मे लिया है, अल्लाह बहुत इसका अजर दे। और आप भी इसी तरह इस काफले में शामिल हों, माओ के बेटे बने, बेटियां बने, उनके अपने बने। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची लाहौर इस्लामाबाद की माओ को उनके सर पे शफकत वाला हाथ रखिए। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर।